हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायो क्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आपके एमएनएस की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब कभी भी आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सो बी रेडी गाइज, आप अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िए। कोई नहीं जानता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और आज चलिए वीडियो पर आते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है एंटोनियम्स। ये एंटोनियम्स का पार्ट वन है। इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर सीट। आपको जो वर्ड दिया जाएगा उसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको साथ साथ उनका साइनोनियम, उनका सिमिलर वर्ड भी बताऊंगी, तो आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि पेपर में आपसे वही वर्ड एंटोनियम, जरूरी है कि एंटोनियम्स के उसमें पूछा जाएगा, आपसे साइनोनियम्स के वे में भी पूछ सकते हैं उस वर्ड को। तो आप साथ साथ अपनी कॉपी में जो मैं साइनोनियम्स वर्ड, सिमिलर वर्ड्स बोलूँगी, आप वो भी नोट करिएगा, और जो अपोजिट वर्ड बोलूँगी वो भी नोट करिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है बच्चों पैरेलल, और साथ में मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी इनके। तो पैरेलल का मतलब होता है बच्चों हिंदी में समांतर। जो सपोज आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, जो दो लाइनें साथ साथ चलती हैं उन्हें पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो हो गया बच्चों इसका हिंदी मीनिंग समांतर। ऑप्शन है डाइवर्जेंट, डिफिकल्ट, सिमिलर, क्रूक्ड। तो बच्चों पैरेलल हो गया आपका समांतर। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा बच्चों? तो इसका सिमिलर मीनिंग होगा बच्चों, फर्स्ट तो सिमिलर ही होगा, इसका साइनोनियम आप लिखते जाइए। फर्स्ट साइनोनियम सिमिलर, सेकंड लाइक, एंड थर्ड एनालॉगस। ये पैरेलल के बच्चों साइनोनियम्स हो गए। और अब एंटोनियम्स की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, क्रूक्ड। क्रूक्ड इसका एंटोनियम है, साथ ही साथ डाइवर्जेंट भी इसका एंटोनियम है बच्चों। पैरेलल का एंटोनियम डाइवर्जेंट और क्रूक्ड, ये दोनों इसके एंटोनियम्स है। सिमिलर इसका साइनोनियम है, एंटोनियम, एंटोनियम और ये साइनोनियम। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, साथ साथ आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड का बच्चों मतलब होता है उजागर, व्यक्त करना या फिर प्रकट। ये तीन वर्ड इसके हिंदी मीनिंग है, प्रकट, उजागर करना या व्यक्त करना। तो इसका जो साइनोनियम हो जाएगा बच्चों, साइनोनियम होंगे मैनिफेस्टेड के, एक्सप्रेस्ड, ल्यूसिड, एक्सप्लिसिट। एक्सप्रेस्ड, ल्यूसिड, EXPRE SSED, एक्सप्रेस्ड, ल्यूसिड, नोट डाउन कर लीजिए। और थर्ड है बच्चों एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, तो बच्चों ये इसके साइनोनियम्स हो गए। अब आती है बच्चों एंटोनियम्स की बात। एंटोनियम्स मैनिफेस्टेड का हिंदी मीनिंग हुआ बच्चों प्रकट करना, उजागर करना। तो इसका साइनोनियम क्या होगा? किसी चीज को छुपाना, वो प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसका एंटोनियम होगा बच्चों उस चीज को हाइड करना। तो इसका साइनोनियम बच्चों हाइड, सेकंड कंसील्ड, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड एम्बिगियस और फोर्थ वेग। ये चार इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे बच्चों, हाइड, कंसील्ड, इसका ऑप्शन बी सही हो गया, सेकंड एम्बिगियस और थर्ड वेग। एम्बिगियस की बच्चों AMBIGUOUS, एम्बिगियस। फिर है बच्चों वेग, वेग की जो स्पेलिंग होगी VAGUE, वेग। तो बच्चों इनकी स्पेलिंग भी याद रखना, आपसे स्पेलिंग करेक्शंस में भी पूछ सकते हैं एम्बिगियस की, तो जरूर याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड का हिंदी मीनिंग हो गया बच्चों अवरोधित या ठहरा हुआ या रुकावट। ये तीन मीनिंग इसके यूज हो सकते हैं ब्लॉक्ड के लिए, अवरोधित, ठहरा हुआ या रुकावट। तो जब अवरोध इसका ब्लॉक का मतलब रुकावट हुआ, तो इसका साइनोनियम क्या होगा बच्चों? क्लॉग्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड, प्लग्ड, हिंडर। क्या होगा बच्चों? क्लॉग्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड, प्लग, हिंडर।
ये इसके साइनोनियम हो गए बच्चों। और अब एंटोनियम की बात करते हैं, तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे, रुकावट का क्या हो जाएगा बच्चों, किसी को परमिट करना, फैसिलिटेटेड, ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फैसिलिटेटेड। और सेकंड इसका एंटोनियम होगा बच्चों परमिट या अनब्लॉक, अनब्लॉक करना, परमिट करना, फैसिलिटेट, ये इसके एंटोनियम्स हो गए। और इसके जो साइनोनियम्स होंगे बच्चों, क्लॉग्ड, CLOGGED, क्लॉग्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड, प्लग्ड, हिंडर, नोट डाउन कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब बच्चों होता है हिंदी में प्रतिशोधी या बदला लेना, प्रतिशोधी या बदला लेना। तो इसका साइनोनियम क्या होगा बच्चों, बदला लेना का साइनोनियम क्या होगा, एवेंजफुल, रिट्रीब्यूटिव, फिनेबल, एवेंजफुल, फाइनेबल, रिट्रीब्यूटिव। एवेंजफुल नेक्स्ट है बच्चों, फाइनेबल, और थर्ड है बच्चों रिट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव, तो ये तीन बच्चों इसके साइनोनियम हो गए, एवेंजफुल, फाइनेबल, रिट्रीब्यूटिव। अब इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो बच्चों बदला लेना का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, किसी उसको क्षमा कर देना, माफ कर देना, उसकी जो किए करतूत है उनको भूल जाना। तो इसका बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉरगिविंग, इसका एंटोनियम हो जाएगा बच्चों फॉरगिविंग। नेक्स्ट है टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब बच्चों हिंदी में होता है किसी मोड़ पर, दल बदलू, या तीसरा वर्ड जो है बच्चों संक्रांति काल, ये तीन इसके हिंदी मीनिंग है, संक्रांति काल, मोड़ पर, या दल बदलू, आप इनमें से कोई सा भी हिंदी मीनिंग जो सेंटेंस में यूज हो रहा हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो जो दल बदलू से आप समझ सकते हैं, दल बदलू कौन होते हैं, जो धोखा दे दे, ट्रेटर या एपोस्टेट। टर्न कोट के बच्चों साइनोनियम्स क्या हुए, ट्रेटर, और सेकंड हुआ बच्चों एपोस्टेट, APOSTATE, एपोस्टेट, ट्रेटर और एपोस्टेट बच्चों इसके साइनोनियम्स हो गए, दल बदलू के, धोखेबाज। और जो अब इसका जो एंटोनियम होगा बच्चों क्या होगा, जो धोखेबाज होता है, दल बदलू होता है, उसका साइनोनियम एंटोनियम्स क्या हो सकता है, लॉयल, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा बच्चों, लॉयल, फेथफुल, एडहेरेंट, ये इसके एंटोनियम्स होंगे टर्न कोट के। टर्न कोट का मतलब दल बदलू हुआ, तो इसका एंटोनियम बच्चों उसका अपोजिट होगा लॉयल, फेथफुल, एडहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनोग्रेट, इनोग्रेट, इनोग्रेट का मतलब होता है बच्चों उद्घाटन करना, अभिषेक करना। तो इसका साइनोनियम का क्या हो जाएगा, इनोग्रेट के साइनोनियम्स होंगे बच्चों इंस्टॉल, इनिशिएट, कमेंस, इंस्टॉल, इनिशिएट, कमेंस। और अब इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं बच्चों, तो अगर इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा किसी चीज को एंड करना। तो जो इसके एंटोनियम्स होंगे बच्चों, एंड, वाइंड अप, टर्मिनेट, फिनिश, तो ये इसके एंटोनियम्स होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टर्मिनेट। फैसिलिट का मतलब तो फिर बच्चों वही हो जाएगा, किसी को परमिट करना, आने देना, तो ये इसका साइनोनियम ही हो सकता है इनोग्रेट का। तो अब किसकी बात थी बच्चों, हाँ एंटोनियम्स में इसका एंटोनियम ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टर्मिनेट। नेक्स्ट पर आते हैं एम्बेलिश, एम्बेलिश, एम्बेलिश का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है सवारना, किसी को सजाना, सवारना। तो डिसोनर, डेमोलिश, स्पॉइल, सफाइस, तो जब इसका बच्चों हिंदी मीनिंग हो गया सवारना, तो इसका साइनोनियम क्या होंगे, मैग्नीफाई, इम्फेसाइज, एम्पलीफाई, ड्रेसअप, एग्जिग्रेट। मैग्नीफाई, इम्फेसाइज, एम्पलीफाई, ड्रेसअप, एग्जिग्रेट। और ये तो हुए बच्चों इसके साइनोनियम्स, अब करते हैं बात इसके एंटोनियम्स की। तो
तो एंटोनियम्स में बच्चों इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्पॉइल किसी चीज को बिगाड़ देना, हम तो उसे संवार रहे हैं, उसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों बिगाड़ देना, तो यहाँ पे स्पॉइल सही हो जाएगा इसका। अब स्पॉइल के बाद बच्चों इसके और एंटोनियम्स देख लेते हैं, मिनिमाइज, बी लिटिल, स्पॉइल, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, डिटेस्ट। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज से घृणा करना, नफरत करना। तो इसके साइनोनियम्स क्या होंगे बच्चों, लोथ, हेट, एबहोर। लोथ, हेट, एबहोर। आपने अगर साइनोनियम्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें एबहोर का वर्ड सबसे फर्स्ट मैंने घृणा करना लिखवाया है। तो डिटेस्ट का साइनोनियम्स बच्चों लोथ, लोथ बच्चों एल ओ ए टी एच ई, लोथ, हेट, एबहोर, ये बच्चे इसके साइनोनियम्स हो गए। अब आती है बात एंटोनियम्स की, यानी कि अपोजिट वर्ड्स की। तो अपोजिट वर्ड बच्चों इसका क्या होगा, टेस्ट, डिसलाइक, लाइक, इंटरेस्ट। डिटेस्ट मतलब घृणा करना हुआ बच्चों, तो इसका साइनोनियम बच्चों सी हो जाएगा, लाइक करना। डिटेस्ट घृणा करना हुआ, तो लाइक किसी चीज को पसंद करना होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंटेंशनल। इंटेंशनल इजी है बच्चों। इंटेंशनल का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों जानबूझकर करना, किसी चीज को जानबूझकर करना, इंटेंशनली करना। तो इसके जो साइनोनियम्स होंगे बच्चों, प्लान्ड, डिजाइंड, किसी चीज को पहले से प्लान करके रखना या डिजाइन करके रखना, किसी प्लान को डिजाइन में कन्वर्ट करना, तो सब क्या होता है, इंटेंशनल, हम अपनी मर्जी से जानबूझकर कर रहे हैं, तो उसके साइनोनियम्स हो गए। अब आती है बात अपोजिट वर्ड की, यानी कि एंटोनियम्स की। तो एंटोनियम्स में बच्चों इसका ऑप्शन ए सही होगा, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल और दूसरे और एंटोनियम्स होंगे बच्चों, अनप्लान्ड, इनवॉलेंटरी। अनप्लान्ड, इनवॉलेंटरी। तो साइनोनियम्स हुए बच्चों प्लान्ड, डिजाइंड, और एंटोनियम हुए एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड, इनवॉलेंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, कमेंस। कमेंस आपको इनोग्रेट में मैंने इसका साइनोनियम लिखवाया था, आपको इनोग्रेट के साइनोनियम्स में मैंने कमेंस लिखवाया है। तो कमेंस का भी मतलब बच्चों वही हुआ, आरंभ करना, किसी चीज को शुरू करना, उसका उद्घाटन करना। तो इसके एंटोनियम साइनोनियम्स तो बच्चों इनोग्रेट, इंसेप्शन, एक और वर्ड याद कर लीजिए, इंसेप्शन। इनोग्रेट और इंसेप्शन इसके साइनोनियम्स हो गए। और अब एंटोनियम्स की बात करते हैं, तो किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, कि उस चीज को खत्म करना। तो खत्म करने का इसमें वर्ड कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, सी, कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है जब हम कुछ किसी नतीजे पर आते हैं, कंक्लूजन, किसी नतीजे पर आना, मतलब उस चीज का एंड हो चुका है, जो हमने शुरू किया था उसके नतीजे पर हम आ चुके हैं। तो कंक्लूड का मतलब होगा बच्चों एंड करना किसी चीज को। तो इसके और ऑप्शंस एंड, टर्मिनेट, ये भी इसका वो हो जाएंगे बच्चों एंटोनियम्स। अगर ऑप्शन में कोई कंक्लूड के अलावा टर्मिनेट, एंड भी आता है, तो आप वो भी टिक कर लेना। तो कमेंट्स हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों फैलाना, अपना एक जगह से और अलग अलग डायरेक्शंस में हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, अपना सिलेबस हमारा एक्सपेंड हो चुका है, तो हमारा सिलेबस और बढ़ रहा है, फैल रहा है, बढ़ना या फैलना आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो साइनोनियम्स इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एनलार्ज, किसी चीज को बढ़ावा देना, बढ़ना, तो एनलार्ज इसका साइनोनियम होगा। और एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज को सिकोड़ना, किसी चीज को सिकोड़ना, तो इसका एंटोनियम बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट को उस पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का आपको मीनिंग हिंदी मीनिंग पता ही होगा, सुख समृद्धि। तो सुख समृद्धि का साइनोनियम्स क्या होंगे बच्चों, सक्सेस, वेल्थ, गुड फॉर्च्यून, ये इसके साइनोनियम्स हो गए, सक्सेस, वेल्थ, गुड फॉर्च्यून। और इसका एंटोनियम्स क्या होता है बच्चों, एडवर्सिटी। प्रोस्पेरिटी का एंटोनियम होता है बच्चों एडवर्सिटी। नेक्स्ट है स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मतलब होता है बच्चों सक्रिय करना, किसी चीज को सक्रिय करना, तो इसका साइनोनियम्स होंगे बच्चों एक्साइट, एक्टिव, ग्रो, इनकरेज। एक्साइट, एक्टिव, ग्रो, इनकरेज। और एंटोनियम बच्चों इसका डिसकरेज हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड डिसकरेज। नेक्स्ट है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट सेम इंटेंशनल वाला ही वर्ड है बच्चों, ये भी जानबूझकर करना,
डेलिब्रेट का मतलब भी बच्चों जानबूझकर करना ही होता है, तो इसका साइनोनियम इंटेंशनल हो जाएगा, और साथ ही साथ जो इंटेंशनल में मैंने लिखवाए हैं वो सेम इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे। तो डेलिब्रेट का साइनोनियम्स हुआ बच्चों इंटेंशनल, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चों, अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल। ये हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं पेरिलियस, पेरिलायस, पेरिलस, पेरिलस होगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन, पेरिलस। तो पेरिलस का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है खतरनाक, खतरा हो जिस चीज से हमें, हानिकारक। तो पेरिलस का बच्चों मीनिंग हुआ खतरनाक, हानिकारक। तो जब खतरनाक और हानिकारक है इसका हिंदी मीनिंग, तो साइनोनियम्स क्या हुए, डेंजर, रिस्की। क्या हुए बच्चों, डेंजर और रिस्की इसके साइनोनियम्स हुए। और एंटोनियम्स क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सेफ, सेफ इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है विवादास्पद। किसी चीज पर हम विवाद कर रहे हैं, किसी चीज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्प्यूटेबल होता है उसका मीनिंग। तो डिस्प्यूटेबल के साइनोनियम्स हो जाएंगे बच्चों कॉन्ट्रोवर्शियल, डिबेटेबल, डिबेटेबल जिस पर डिबेट की जा सके, वही सेम विवादास्पद और कॉन्ट्रोवर्शियल, इसके साइनोनियम्स हो गए। और जो बच्चों इसका एंटोनियम होगा वो होगा इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल का बच्चों एंटोनियम होगा इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल का बच्चों मतलब होता है दोष मुक्त, किसी उस पर कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, वो दोष मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ऑडेशियस, ऑडेशियस, ऑडेशियस का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है साहसी, साहसी। तो साइनोनियम इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड, पर्की, डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड, पर्की। तो इसके तो साइनोनियम्स हुआ, बात ये बच्चों बात एंटोनियम की, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, टिमिड, इसका एंटोनियम होगा बच्चों टिमिड, टिमिड। और टिमिड के साथ साथ इसका एक और वर्ड हो जाएगा पोलाइट, पोलाइट, ऑडेशियस का एंटोनियम बच्चों पोलाइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस का बच्चों हिंदी मीनिंग होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा या सतर्क, सतर्क। तो साइनोनियम्स इसके बच्चों केयरफुल, स्क्रूपुलस, डिलीजेंट, केयरफुल, स्क्रूपुलस, डिलीजेंट। स्क्रूपुलस की बच्चों स्पेलिंग देख लीजिए, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, आप इसे स्पेलिंग मिस्टेक वाले वर्ड के लिए भी स्पेलिंग को लिख के रखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, स्पेलिंग मिस्टेक वाले वर्ड में इसी तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो ये हुआ बच्चों आपका स्क्रूपुलस। नेक्स्ट है बच्चों डिलीजेंट, डिलीजेंट इसका साइनोनियम ही है, केयरफुल, स्क्रूपुलस, डिलीजेंट। डिलीजेंट वर्ड्स बच्चों मुझसे साइनोनियम से पूछा था जिस टाइम मैंने पेपर दिया था, मेरे पेपर में डिलीजेंट वर्ड पूछा गया था, तो मुझे शायद आई थिंक उसका साइनोनियम ही बताना था, डिलीजेंट वर्ड का साइनोनियम बताना था मुझे। और अब इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं बच्चों, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका केयरलेस, सतर्क, सतर्क मतलब जो बहुत केयरफुल रहता हो, तो उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं रिपेल, रिपेल का मतलब बच्चों क्या होता है, पीछे हटाना, पीछे हटना। और इसका साइनोनियम्स क्या हो जाएंगे, रिपल्स, सेटबैक, पीछे हटना, सेटबैक, रिपल्स। और तो इसका एंटोनियम क्या होगा बच्चों, रिपेल, रिपेल का क्या होता है, रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो रिपेल का हो जाएगा बच्चों अट्रैक्ट, वेरी इजी, साइंस साइड फिजिक्स में तो ये वर्ड बहुत यूज होता है, तो ये तो आपके लिए सिंपल रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों डिम, डिम का जो हिंदी मीनिंग होता है बच्चों मंद होता है, मंद, जब लाइट चली जाती है या फिर ये बहुत कम लाइट आती है तो हम कहते हैं बहुत डिम लाइट आ रही है, तो उसका मतलब होता है मंद। और जिसके साइनोनियम्स हो जाएंगे बच्चों, साइनोनियम्स नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पेल, फेंट,
डल वेग, पेल पी ए एल ई पेल, पेंट डल वेग। तो ये बच्चों इसके साइनोनियम्स हुए। अब एंटोनियम्स की बात करते हैं तो इसका बच्चों एंटोनियम हो जाएगा ल्यूमिनस या ब्राइट, जो बहुत ब्राइट हो। तो इसका साइन एंटोनियम होगा बच्चों ल्यूमिनस ब्राइट। चलिए बच्चों इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे आपके साथ MNS का एग्जाम देने वाले हैं उन्हें भी चैनल सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हूँ। मैं वो सारे टॉपिक कवर करूँगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।